तो चलिए इसी बीच उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर मिल रही है। कानपुर में मोहम्मद इश्तियाक के अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर चल रहा है। देखिए बड़ी कार्रवाई, इसकी बड़ी खबर मिल रही है। आपको बताएं कानपुर से ये बड़ी खबर है, मोहम्मद इश्तियाक की अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर की कार्रवाई। बड़ी खबर कानपुर से, जहां मोहम्मद इश्तियाक की अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर चलने की खबर आ रही है। कानपुर में मोहम्मद इश्तियाक की अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर चल रहा है, इस वक्त की बड़ी खबर। चलिए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी रतीश का और उनसे तस्वीरें दिखाने की गुजारिश करते हैं। रतीश बताइए, बुलडोजर की ये कार्रवाई किस तरीके से चल रही है, क्या कुछ है? देखिए, माना जा रहा था कि शहर की तमाम ऐसी बिल्डिंग्स को चिन्हित कर लिया गया है जो अवैध इमारतें अवैध रूप में खड़ी हुई हैं और उन पर बुलडोजर चला। सीधे तस्वीरें आपको दिखाएं, ये बेना झाबर का इलाका है और यहाँ पर ये बिल्डिंग अवैध रूप से बनाई गई थी। मोहम्मद इश्तियाक के रूप में चिन्हित की गई इस बिल्डिंग को और काफ़ी ज़्यादा फोर्स लेकर के यहाँ पर इस बिल्डिंग को गिराने की कार्रवाई चल रही है। ऊपर मजदूर हैं, साफ तौर पर हम देख रहे हैं ऊपर से तोड़ना चालू कर दिया गया है और नीचे मोहम्मद इश्तियाक के बैकग्राउंड को भी बताइएगा रतीश, जरा जानकारी के लिए, ताकि समझ आए कि किन किन मद्देनजर ये कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, देखिए ये आपको बुलडोजर दिखा रहे हैं, बाबा का बुलडोजर आज कानपुर में सुबह सुबह ही गरज रहा है। मोहम्मद इश्तियाक के अगर बारे में बात की जाए तो कारोबारी है और ये भी कहा जा रहा है कि जफर हयात हाशमी जो मास्टरमाइंड है उनसे भी इनका संबंध हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये एस्टेब्लिश नहीं है। और हम पीछे हो जाएं क्योंकि लगातार कार्रवाई चल रही है और ये देखिए अंदर पीएससी की बटालियन खड़ी हुई है। पीएससी को लेकर किसी तरीके का कोई विरोध ना हो उसको लेकर के यहाँ पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ऊपर से बिल्डिंग्स को तोड़ना चालू कर दिया गया। देखिए हम दिखा रहे हैं आपको बुलडोजर हथौड़े चल रहे हैं और ये देखिए नीचे कांच के जो शीशे थे उनको फेंका जा रहा है और पूरी बंदोबस्त के साथ सभी अधिकारी यहाँ पर आए हैं। ये तस्वीर आपको दिखाना ज़रूरी है। पुलिस प्रशासनिक अमला, केडीए के अधिकारी, तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अपनी देखरेख में ये बिल्डिंग को गिरवाने का काम चल रहा है। मोहम्मद इश्तियाक के रूप में जो एसडीएम हैं उनसे बात कर लेते हैं। वान्या जी क्या कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं? केडीए की ओर से एक ध्वस्तीकरण के आदेश मिले थे। मोहम्मद इश्तियाक अहमद द्वारा बिना मानचित्र पास कराए निर्माण किया गया था। कारोबारी है या कोई अलग, इसकी मुझे जानकारी नहीं। के अधिकारी भी साथ में हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। देखिए पुलिस के अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, कानपुर विकास प्राधिकरण के भी अधिकारी हैं, उन्होंने इस चीज को चिन्हित किया था। केडीए के जो अधिकारी उनसे बात करते हैं। भाई साहब, बार नोटिस दिया गया था, ये ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है किसके खिलाफ की जा रही है? ये कोई मोहम्मद इश्तियाक है और इनका जो है एक ध्वस्तीकरण आदेश पूर्व में पारित हुआ था। आज एक तिथि रखी गई थी कि जो इन्होंने कुछ गलत बना रखा था आगे का सेटबैक एरिया और यह उसी के क्रम में एक नॉर्मल प्रोसीजर में जो कार्रवाइयाँ प्राधिकरण करता है उस आधार पर की जा रही है। नोटिस सर्व किए गए थे? हाँ, नोट्स से जो संबंधित अधिकारी थे जिन लोगों ने सुना था उनके द्वारा वो अपनी कार्रवाइयाँ की गई। आज ये कार्रवाई जो आप है पूरी क्या करेंगे? ये कार्रवाई तो आज इनका जो सेटबैक इन्होंने ज़्यादा आगे बना लिया था उसके क्रम में कार्रवाई, नॉर्मल प्रोसीजर में प्राधिकरण की कार्रवाई है। नॉर्मल प्रोसीजर के रूप में जो कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी हैं वो ये बता रहे हैं, लेकिन कार्रवाई बड़ी है क्योंकि कार्रवाई इसलिए बड़ी है क्योंकि कानपुर जिला प्रशासन के साथ साथ कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी हैं, पुलिस है, पीएससी है और पीएससी बल के साथ ये कार्रवाई तोड़फोड़ की चल रही है। बाबा का बुलडोजर अभी नॉर्मल कोर्स में ये कार्रवाई को बताया जा रहा है, लेकिन जो हमारे सोर्स हैं जो पुष्ट नहीं हो पा रही है जानकारी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कानपुर हिंसा का जो मास्टरमाइंड रहा जफर हयात हाशमी उसका भी इससे कनेक्शन हो सकता है, ये एस्टेब्लिश नहीं है। अधिकारी फिलहाल, चूंकि काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल मामला है, देखिए हथौड़े चल रहे हैं, आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, हथौड़े चल रहे हैं। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन, कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया गया था उसको तोड़ा जा रहा है और तोड़ने के लिए जेसीबीज भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए एक्शन में आ गई है जेसीबी, पुलिस के अधिकारी। स्वरूप नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये बेना झाबर आता है इलाका, मोती झील के पास ठीक पास का इलाका है, पौश इलाका है, इसके ठीक पीछे आर नगर और स्वरूप नगर का इलाका है और जेसीबी ने अपना काम शुरू कर दिया, यानी बुलडोजर ने अपना काम चालू कर दिया है। देखिए बुलडोजर ने इस जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है जो निकल करके सामने आ रहा था, अवैध रूप से चिन्हित किया गया था, उस पर आप बुलडोजर चलने जा रहा है। आपको लाइव तस्वीरें सबसे पहले दिखा रहे हैं कि अभी तक हथौड़े से तोड़ा जा रहा था लेकिन अब बुलडोजर की चोट होने जा रही है। बाबा का बुलडोजर साफ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दोनों बुलडोजर दिखाइए आपको अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि दोनों बुलडोजर एक तरफ से लग गए हैं, एक तरफ से एक बुलडोजर, दूसरी तरफ से दूसरा बुलडोजर
और अगल बगल की बिल्डिंग्स को नहीं तोड़ा जा रहा है, लेकिन ये बुलडोजर, ये देखिए पहली चोट बुलडोजर की, और ये तोड़ा जा रहा है। जो भी अवैध इमारत बनाएगा, अवैध अतिक्रमण करेगा, बाबा का बुलडोजर इसी तरीके से चलेगा, पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के तहत जो कानपुर विकास प्राधिकरण है उसने नोटिसेस दिए थे, लेकिन नोटिस मिलने के बावजूद कुछ नहीं किया गया। देखिए, ये देखिए दूसरे बुलडोजर से आपको तस्वीर दिखाएं, बुलडोजर ने अपना काम चालू कर दिया है। जो जाने का रास्ता था, ऊपर सीढ़ी थी, उसको ढहाया जा रहा है। और ये अवैध रूप से चिन्हित इमारत थी, वो मोहम्मद इश्तियाक की, जो कारोबारी है उनकी, इस बिल्डिंग को ढहाया जा रहा है। इलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में कई बार कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने कहा था कि इसे हटा लिया जाए, लेकिन नहीं हटाया गया। नॉर्मल कोर्स की कार्रवाई कही जा रही है। दोनों तरफ से बुलडोजर देखिए कार्रवाई कर रहे हैं, और बुलडोजर की गरज यहां पर सुनाई दे रही है। साफ तौर से बुलडोजर गरज रहा है और ये मोहम्मद इश्तियाक पर कार्रवाई की जा रही है। दो दो बुलडोजर है, पीएसी को लेकर के यहां पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस तरीके की ना बने, इसलिए चूंकि यहां पर बेना झाबर का इलाका, मोतीझील का इलाका बेहद पॉश इलाका है, और पिछली कई बार जो एफर्ट किए गए थे उसमें असफलता मिली थी, इसलिए इस बार पूरी जोर से लगाया गया है कि इस जो अवैध इमारत बनाई गई है, बड़ी आलीशान इमारत दिख रही है, बड़ी आलीशान इमारत बनाई गई थी और अवैध रूप से बनाई गई थी, उसको ढाया जा रहा है। सुबह सुबह ही कानपुर में बुलडोजर गरज रहा है, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों बुलडोजर्स ने अपना काम शुरू कर दिया है। अंदर गली में दिखाइए पंकज, वो देखिए वह पीएसी अंदर खड़ी हुई है, अगर कोई विरोध करने आता है तो उसको पीछे वहीं रोक दिया जाएगा। ये पीएसी के जो जवान आपको दिख रहे हैं सामने, ये अंदर गली में तैनात किए गए हैं कि अगर कोई भी आदमी विरोध करने आता है तो उसको हटा दिया जाए। और पीएसी के जवान हमें मोबाइल पे वीडियो बनाते हुए भी दिख रहे हैं, यानी कोई भी हरकत, कोई कुछ करता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को चैलेंज करता है, तो उसके लिए भी पूरी तैयारी की गई है। ये देखिए अवैध इमारत जो ढाई गई है उसका मलबा हम देख पा रहे हैं, और इस बिल्डिंग बड़ी खूबसूरत इमारत थी। कानपुर में रहने वाला हूँ, जब भी मैं यहाँ से निकलता था तो इस इमारत को जरूर देखता था, क्योंकि काफ़ी आलीशान इमारत रही है, और इस आलीशान इमारत का अब आलीशान इमारत पर बुलडोजर चल रहा है। अवैध रूप से बनाई गई इमारत मोहम्मद इश्तियाक की, जहाँ पर जेसीबी गरज रही है। रतीश, ये बिल्डिंग लेकिन खाली दिख रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन या बस फिनिश का काम बाकी था जो देखने से पता लग रहा है? नहीं, बिल्कुल, देखिए कारोबारी व्यक्ति हैं, इन्होंने अंडर कंस्ट्रक्शन इसे नहीं कह सकता, ये बनवा ली गई थी, ये इमारत बनाई गई थी केवल। यहाँ से ये भी कह रहे हैं जो अधिकारी हमें बता रहे हैं कि यहाँ से काम भी चालू था, लेकिन नीचे का जो फ्लोर है उसकी फिनिशिंग नहीं हो पाई थी, इसकी फिनिशिंग नहीं हुई थी, इसलिए इसको अभी ज़्यादा चालू नहीं किया जा सका था, लेकिन यहाँ से कारोबार जो था वो शुरू किया गया था। ऊपर के आप फ्लोर को देख लीजिए, ऊपर के फ्लोर से क्योंकि खाली दिखाई दे रहा है, नजर आता है कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया था। और यहाँ ये बिल्कुल देखिए ऊपर से तोड़ना चालू कर दिया है, ऊपर से जो इलीगल कंस्ट्रक्शन जो अवैध है उसको तोड़ना चालू कर दिया गया है। और मोहम्मद इश्तियाक के बारे में जितनी जानकारी हम जुटा पा रहे हैं उसमें ये है कि वो एक कारोबारी है, और उसमें जो एक पूर्व सभासद है इस इलाके का वो भी सम्मिलित था। और चूंकि केडीए का, कानपुर विकास प्राधिकरण का ऑफिस यहाँ से महज कुछ सौ मीटर दूरी पर है, इसलिए इसमें ज़रूरी खेल भी हुआ होगा, 100% इसमें खेल हुआ, और अवैध इमारतों को इसी तरीके से शहर भर में तान दिया गया। ये देखिए आरएएफ भी यहाँ पर तैनात है, आरएएफ भी दिखाएं, एक और बुलडोजर आ रहा है, देखिए बहुत तेजी से आ रहा है बुलडोजर, और ये बुलडोजर देखिए बहुत बिल्कुल रतीश ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, और बड़ी बात ये है कि ये कार्रवाई की तस्वीरें जमीन पर इस वक्त दिखाई दे रही है, लेकिन बगल में केडीए का ऑफिस भी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।